उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चार युवकों पर तिरंगा जलाते हुए टिकटॉक वीडियो बनाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौका देख उसके तीन साथी भागने में कामयाब हो गए। बता दें कि पूरा मामला बाजार खाला इलाके के टीके तराई तालाब के पास का है, जहां पर रविकांत रोज की तरह रविवार की देर शाम साइकिलिंग कर रहे थे, जहां पर चार युवकों ने देश के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को ही जला डाला। रविकांत का आरोप है कि इस दौरान सभी युवक टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। इस पर रविकांत ने तुरंत विरोध किया तो चारों आरोपियों ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी। भीड़ को बढ़ता देख तीन आरोपी तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन वहीं एक भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी की पिटाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। रविकांत ने बताया कि चारों की उम्र करीब 15 से 18 साल के बीच की है। आज मैं शाम को घर से टहलने के लिए निकला, रोज मर्या की तरह आज भी बड़े तालाब में जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो चार लड़के वहाँ पे अपने राष्ट्रीय ध्वज को जला रहे थे। जब मैंने देखा तो विरोध किया, बोला कि ये क्या कर रहे हो, तो एक उसमें से बोला कि क्या करेंगे, तो हमने कहा अरे अपने देश का ये शान है, इसको क्यों जला रहे हो, तो उसने कहा कि जलाएंगे मूतेंगे भी, और नारे भी लगाने लगे मुर्दाबाद का। तो फिर मैं अपनी साइकिल को छोड़ के दौड़ के तिरंगे को बुझाया, आधा तिरंगा जो कि जल चुका था। इसके बाद मैंने शोर मचाया, एक रुपेश जी भाई साहब थे वहीं पार्क के अंदर ही बड़े तालाब के, वो आए, उनके सहयोग द्वारा वो सब हमसे बदतमीजी करने लगे। उनके सहयोग द्वारा एक को पकड़ा गया, तीन तो उसमें से भाग गए। इसके बाद बाहर दो पुलिस वाले मिले, उनसे बताया गया, वो लोग लेके टिकैत राज चौकी पे आए, वहाँ से बाजार खाला आए यहाँ पे। एज लगभग सभी की 15 से 18 साल के बीच में है। फिलहाल पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा में FIR दर्ज कर दी है।